हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, कल हमने नहीं किया था ब्लॉग शूट क्योंकि कल हमारे यहाँ नहीं थी लाइट, उसी वजह से हम कल ब्लॉग नहीं डाल पाए। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। गाइस, आज निकली है बहुत दिनों के बाद धूप। मैंने डाली है मिर्च और तिल सुखाने के लिए, क्योंकि मिर्च जो है आजकल बरसात के मौसम में पीसी नहीं जाती मसाले तैयार करने के लिए, सब्जी में डालने के लिए। तो हमने इसको सुखाने के लिए रखा है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तिल भी मैंने सूखने के लिए डाल रखे हैं, जो कि जिसकी हम चटनी बनाते हैं और इसके परांठे भी बनाए जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने तिल और मिर्च रखे थे सुखाने के लिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो गाइस अब हम चलते हैं। गाइस, मैंने लगा ली है झाड़ू, अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। ये है हमारा बर्तन धोने का आसन और यहाँ धोते हैं हम रोज बर्तन। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने धो लिए हैं बर्तन। अब मुझे बनानी है चटनी तिल की, जो हमने सुखाने के लिए रखे हैं। तो गाइस, मैं ले रही हूँ अभी तिल। इसको पहले साफ करना होता है क्योंकि इसमें होते हैं कीड़े। गाइस, मैंने ले लिए है तिल, मैंने इसको कर लिया अच्छे से साफ। अब मैं इसको गैस के ऊपर भूनूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। गाइस, हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो इसकी मैं बना रही हूँ चटनी। इसकी चटनी इतनी अच्छी बनती है गाइस कि आप एक टाइम का पूरा खाना चटनी के साथ खा सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे तिल जो है वो हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये पूरे जल जाएंगे और जो हमारी चटनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको आप जब तक गैस के ऊपर रखें तब तक इसको चलाते रहें, नहीं तो ये पूरी तरीके से जल जाएंगे। तो गैस की फ्लेम कर देती हूँ मैं ऑफ, क्योंकि तिल जो है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तिल को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने तिल को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसको डालूंगी मिक्सी जार में चटनी बनाने के लिए। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें पुदीना, जो कि मैंने अच्छे से भून लिया है।
ऐड करेंगे हम इसमें हरा धनिया। उसके बाद हम इस पे डालेंगे टमाटर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप इसमें कम ही डालें, क्योंकि अगर कम होगा तो आप इसके बाद में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसको ग्राइंडर पे रखने। ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा पानी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी चटनी हो गई है बनके तैयार। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने चटनी को अच्छे तरीके से पीस लिया है मिक्सी मशीन में। तो अब मैं इसको डाल लेती हूँ एक कटोरे में। आप लोग देख ही सकते हैं हमारी चटनी। तो मैं इसको कर लेती हूँ टेस्ट। टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि नमक जो है हमने इसमें वो पहले कम ही डाला था। आप चाहें तो इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने चटनी बना ली है। अब हम उसको खाएंगे खाना खाने के टाइम, जब हम लोग खाना खाएंगे। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं आज धूप जो है वो कितनी तेज है। और चलते तो गाइस जैसा कि आपने देखा आज मौसम जो है वो धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। तो मैंने आज सब कुछ सुखाने के लिए रखा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था मिर्च और तिल। और यहाँ हमने सुखाने के लिए रखे हुए हैं जौ, जिसको हम पिसवाते हैं अपने बैलों के लिए। खाना चाहती हूँ एक यूनिक सा फल जिसको हमने लगा रखा है अपने घर पे। आप लोग प्लीज बताइए कि किस चीज का फल है। गाइस आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि किस चीज का फल है, मैं आपको बता सब्जी है, यह है टमाटर। तो इसको हम डालते हैं चटनी में, सब्जी में भी डालते हैं, पर हम इसको डालते हैं बॉईल करके। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये है पलम का पेड़। इसे दूसरी भाषा में लोग कहते हैं आलू बुखारा। तो ये पेड़ गाइस बहुत ही पुराना है, तब तो मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी। आज मैं हो गई हूँ 24 साल की, तो इस पेड़ को हम पूरे 24 साल हो चुके हैं। तो गाइज मैं दिखाना चाहती हूँ आपको अपना घर। वैसे तो आपने मेरी वीडियोस में देख ही लिया होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा घर और ये है हमारा मंदिर जहाँ पे हम सभी लोग पूजा करते हैं और दूर दूर से भी लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। ये है हमारा काली माता जी का मंदिर और इसके जो पुजारी है वो है मेरे दादू जी, जो कि बरसों से यहीं पर पूजा करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग झाड़ा लगाने भी आते हैं, जो कि मेरे दादू जी ही करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो गाइस ये तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये है एलोवेरा, सब्जी भी बनती है गाइस हमारे हिमाचल में, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। सेकंड मैं इसे अपने बाल धोने में यूज़ करती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे यूट्यूब पे।
कि किस तरीके से इसको शैम्पू में मिक्स करके बाल धोने से जो बाल ग्रो होते हैं। तो गाइस मैं भी इसको अपने बालों में यूज़ करती हूँ। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कम से कम 2 ईयर से और मुझे अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी महसूस हुआ है गाइस। तो ये जो है 100% वर्क करता है। आप लोगों को भी मैं रिकमेंडेड करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका यूज़ करके देख सकते हैं। दूसरा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी अमरूद का पेड़ जो कि हमने लगा रखा है अपने घर पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें अमरूद आने शुरू हो गए हैं पर अभी बिल्कुल छोटे हैं। बहुत ही जल्द बड़े हो जाएंगे। तो दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगी नींबू का पेड़ जो कि हमने अपने घर पे ही लगाया हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें कितने सारे नींबू आए हुए हैं गाइस। और नींबू पानी तो आपको पता ही है कि हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो इसलिए हमने इसको अपने घर पे ही लगा रखा है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी का पेड़ जिसपे एक दो स्ट्रॉबेरी आई हुई थी पर वो मैं तो नेक्स्ट ये है हमारा जामुन का पेड़ जो कि ये भी हमारे घर पे ही लगा हुआ है। इसमें अभी जामुन आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, शायद अभी जामुन का मौसम नहीं होगा। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी मनी प्लांट जो कि हमने अपने घर में ही लगाया हुआ है और ये लगाया हुआ है मेरे पापा ने। गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है गाइस वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। दूसरा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। जय हिंद जय भारत।